और चावला जी के जो अभी ज़बरदस्त कभी गुगली कभी फास्ट बॉल आएगा उसे झेलने के लिए मैं जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद वकील साहब, आपने बहुत अच्छी बात कही कि पहले गाय जो है दूध देने के लिए नहीं प्रयोग में ज़्यादा आती थी, पर वोट मांगने के लिए आती है। मेरे मन में एक सवाल आता है, आपने गाय की वोट कैचिंग कैपेसिटी समझी? उन्होंने समझी नहीं। आपको लगा कि गांव से गाय की सेवा करने से वोट भी मिल सकते हैं, तो आप थोड़ा आगे ओरिजिनल थिंकिंग रही कि गाय को इकोनॉमिक्स के साथ कैसे जोड़ा जाए। वो लोग तो पॉलिटिक्स के साथ जुड़ रहे थे, आपने इकोनॉमिक्स के साथ जुड़ दिया। गाय तो वोट के लिए ही हो रहा है ना सब कुछ। भारतीय दर्शन में ये कहा गया अर्थ धर्म काम और मोक्ष, तो पहला जो है वो अर्थ ही है। बिना अर्थ के न धर्म न काम न मोक्ष कुछ नहीं मिल सकता, इसलिए अर्थ बहुत जरूरी है। और यदि इसको हम गौ पालन को जो पहले किसानों के अर्थव्यवस्था का मजबूत आधार हुआ करता था, अब चूंकि बहुत सारे जो मवेशी के जो व्यापार करते थे अब वो तो बजरंगी लोग इसको पीट पीट के सब समाप्त कर दिए साहब। दूसरा जो है जो संयंत्र आए हैं, कृषि संयंत्र आने के कारण से बैल के अब उपयोगिता समाप्त हो गई है, करीब करीब समाप्त हो गई, बहुत कम रह गया है। और इस कारण से मवेशी खुले में छोड़ने के लिए किसान बाध्य है, या जो पशुपालक है छोड़ने के लिए बाध्य, जो दुधारू जानवर को ही रखते हैं बचत को छोड़ने के लिए बाध्य हैं। ऐसे में बहुत चिंतन मनन के बाद हम लोग इस निष्कर्ष में पहुँचे कि यदि गोबर खरीदेंगे, चाहे दूध उत्पादक हो चाहे अनुत्पादक हो, गोबर तो देगा ही, और गोबर यदि हम खरीद लेते हैं तो निश्चित रूप से गाय के जानवर के पीछे पीछे घूमेंगे नहीं, उसको बिठा कर रखना पड़ेगा, बांध कर रखना पड़ेगा, उसे चारा खिलाना पड़ेगा, और उससे फिर जो फसल की चराई होती थी वो बचेगा। हमारी इस साल डबल दूसरे जो फसल है, दूसरी फसल जो उन्हारी का हम लोग लेते थे, रवि फसल लेते थे, उसमें 20-30% की वृद्धि हुई है। तो ये जो गौठान योजना का जो लाभ है वो हमको दिखाई देता है, तो हमने इसको अर्थ से जोड़ा है। हाँ, वही है कि उन्होंने राजनीति से जोड़ने की कोशिश की काफी सालों तक गौ माता के नाम, भाई उनको तो आपने अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ दिया। चाला साहब, उनके जो प्रशिक्षण है वो अंग्रेजों से मिली हुई है, वो फूट डालो राज करो और भावनात्मक शोषण करो। तो इनके अलावा गौ माता की बात कर रहा हूँ, वो सबको जोड़ती है। हाँ, तो वो लोग के आज तक के गौ माता की सेवा, गौ माता के नाम से वोट मांगते रहे, कभी गंगा के नाम से मांगे, कभी गाय के नाम से मांगे, अब राम के नाम से मांगते हैं। तो लेकिन सेवा वो नहीं करते साहब, गाय की सेवा करने क्या किए, ये लोग गौशाला खुलाए, शासन से उनको बहुत सारे अनुदान दिलाए, हुआ क्या, गौशाला में जितने जानवर थे वो दुबले होते गए और जो जो गौशाला चलाने वाला है वो मोटा होता गया। पर एक बात भवेश जी, मैंने सुना है कि आप की जो नेचर है, पर्सनैलिटी जो है, वो गांव, खेत और जंगल से जुड़ी हुई है। आपने छोटी उम्र में किसानी शुरू की थी, थोड़ा अनुभव बताइए ना कि आप जब बने, क्योंकि जो कुछ आप कर रहे हैं मेरे को लगता है एक्सपीरियंस आदमी जो होता है वही कर सकता है जिसको किसान जुड़ा हुआ हो। अब मेरे पिताजी सर्वोदय थे और मैं छठवीं कक्षा पढ़ रहा था तब से मुझे खेत में डाल दिए थे। मैं स्कूल भी जाता था और सुबह शाम खेत भी जाता था। मजदूरों के भुगतान वगैरह करना, उसकी हाजिरी लगाना, पेमेंट करना, वो सब काम मैं छठवीं कक्षा से कर रहा था, तब से मैं खेत में ही जुड़ा था। और फिर हम लोग गाँव में जब छोटे थे तो गणेश समिति बनाते थे, आज भी गांव गणेश समिति। अब हम लोगों को कोई चंदा उंदा देता नहीं था, तो फिर हम लोग शनिवार को जाके नर्सरी उखाड़ लेते थे, रविवार को जाके रुपाई कर देते, उससे जो पैसा मिलता था उसे मूर्ति ले आते थे। और फिर अपने बाड़ियों में, किसके यहाँ चौबे जी के यहाँ बाड़ी, शर्मा जी की बाड़ी में खीरा है कि नहीं है, वहाँ से खीरा या तो उसे मांग लेते थे, नहीं देते थे चुराक ले आते थे, छोटे तो थे। और उसके उसके जो घर जो बाड़ी वाला है उसको मालिक भी शामिल रहता, तो उसके घर के बच्चे भी शामिल रहते थे, वही बताते थे कि हमारे यहाँ खीरा बहुत अच्छा है। उसके बाद जाग दुकान से गुड़ या शक्कर ले आते थे, मिला लेते थे, उसी प्रसाद बनाते थे। तो ऐसे हमारे गणेश पूजा, हम लोग उस समय से खेती जो गाँव में जो रहा है। और फिर जब रोपाई का सीजन आता था मजदूरों की बड़ी कमी हो जाती है, तो आज भी बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जिसमें हाई स्कूल के बच्चे शनिवार रविवार को डेढ़ दिन जाके रोपाई करते हैं। और उससे हमारे समय में अपने स्कूल के पुस्तक खरीदे, अब तो सरकार सब फ्री में स्कूल का भी पुस्तक दे रही है, पहले नहीं मिलता था, तो फिर उसके माध्यम से हम लोग पुस्तक काफ़ी खरीद लेते थे। आप जब किसान थे छोटे बचपन में,
हलवल तो चलाया होगा थोड़ा बहुत। बिल्कुल हल चलाने आता है साहब हमको, हमको तो ये पता है कि धान एक एकड़ में कितना धान लगता है, कोदो कितना लगेगा, कि तिल कितना लगता है, अलसी एक एकड़ में कितना लगता है, कि कोदो कितना लगता है, वो सब हमको जानकारी। उस जमाने में ट्रैक्टर तो होता नहीं होगा। ट्रैक्टर में मतलब ट्रैक्टर तो नहीं था उस समय, बैल से ही हल से नांगर में, तो ब्यासी में नहाना कितने भावर उसको घुमाना है, बावत में कितना है, ओल्हा में कितना भावर रहेगा, वो नहाना हम सबको जानकारी है। नहाना वगैरह आप नहीं समझेंगे, जो समझाइए ना जरा, जो जुड़ा रहता है और नांगर दाढ़ी उसके बीच में एक खिली रहता है, उसके बीच में कितने दूरी उसके बीच में रहना चाहिए ताकि बैल के पैर में हल ना लगे, और जुताई भी बराबर गहराई से हो, तो उसको करने के लिए जैसे बावत में सात भावर, नाना बारह हाथ का रहता है तो सात भावर उसको घुमाते हैं, यदि ब्यासी में आप फानेंगे तो पांच भावर करना पड़ेगा, यदि ब्यासी में यदि नज़दीक कर देंगे तो पैर लोहा लगेगा तो जानवर लंगड़ा हो जाएगा। तो ये सारी टेक्निक है हम लोगों ने किया है। मेरे यहाँ ट्रैक्टर भी रहा सब, मेरे तो अभी एक दर्जन ट्रैक्टर हो, हम लोग ट्रैक्टर में भी दिन रात मेहनत करते थे, मैकेनिक बुलाने के लिए हम लोग नाला पार करके रायपुर आना पड़ता, नाला नदी पार करके, तो हम लोग थोड़ा बहुत तो हम लोग खुद ही बना लेते थे, बाद में तो हम तो रिंग पिस्टन भी डालना सीख गए थे। तो वो सारी चीज़ हम लोगों ने गांव में किया, चाहे ट्रैक्टर सुधारने के काम हो, चाहे मोटर पंप सुधारने का काम हो, चाहे बिजली सुधारने काम, मैकेनिक बुलाते बुलाते बहुत समय लगेगा साहब। हाँ बिजली बहुत बाद में आई, तो पानी का इंतजाम भी करना, यदि ट्रांसफार्मर उड़ गया, डीओ उड़ गया तो उस फ्यूज है उसे चेंज करना है, हम लोग केवल मोटर के वाइंडिंग भर नहीं कर पाते थे साहब, बचत तो फिर बेयरिंग डालना है, बूस्ट डालना है, ग्रीसिंग करना है, वो सब काम आपके उस समय तो एलएनटी के ही स्टार्टर आते थे, तो उसके वायरिंग करना, वो सब काम हमने किया, हाँ सब किया। ये सब किलबर ने कहा एलएनटी का सब। गाय वाय भी तो हो रखी होगी, गाय भी दूहे साहब, इंजेक्शन लगाना भी आता है, गाय का दूध भी, गाय का दूध भी निकाले, भैंस का दूध भी निकाले साहब, और गाय को हम भैंस को तालाब में तैराने जाते नहीं होते थे, जैसे कि पीठ में बैठ गए, अच्छा गहरा पानी समय उसी में जाग नीचे बैठ जाता था, फिर वहां से तैरते वापस आते थे। तो वो सब हम लोगों ने गांव में किया हुआ है, चावे जी हंस रहे हैं क्योंकि गांव में वो भी रहे, ये सब काम सब जो गांव में रहते हैं वो सब करते हैं। तो उस जमाने से कोठान वगैरह नहीं थे ना, अभी जो आपने शुरू किया। नहीं, गौठान हमारी परंपरा है सब छत्तीसगढ़ की, कोई कहीं देहान बोलते हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से आप कर रहे हैं, वो उसी परंपरा को हम जीवित कर रहे हैं। अब गौठान में अतिक्रमण हो गया, और अतिक्रमण होने के बाद अब हमने जब आदेश जारी किया कि हर गांव में 5 एकड़ जमीन गौठान के लिए आरक्षित की जाए, तो 5 से 10 एकड़ जमीन चारागाह के लिए, तो सब अधिकारियों ने हाथ उठा लिए कि कैसे होगा, ये तो अतिक्रमण है, लेकिन गांव वालों की सहमति से लगभग अब 1,00,000 एकड़ जमीन हमने आरक्षित कर ली बिना लाइन आर्डर के। जब आप छोटे थे उस वक्त, जो किस तरह से खेती आप करते थे, सुबह उठते होंगे 4-5 बजे पानी देना पड़ता है, कभी मैंने देखा सुबह सुबह 4-4 बजे 5-5 बजे उठ के पानी देना पड़ता है। वो तो साहब वो तो पानी गिरना शुरू हुआ तो रात में ही चल देते थे कि भैया उस खेत के मुही खुला हुआ है, उसको बांधना जरूरी नहीं, खेत निकल जाएगा मतलब पानी निकल जाएगा, ब्यासी कैसे करेंगे, वो तो रात में ही टार्च ले कर चल देते थे, छाता ले कर चल देते थे, खेत बांधना जरूरी, पानी रोकना जरूरी। तो वो तो किसान की ज़िंदगी है, वो मौसम पर निर्भर करता है, और वो मौसम के आधार पर अभी ठंड के दिन हैं, फसल खेत में है, उसको रखवाली करने जाना है, बुआई करना, अब तो खैर मशीनीकरण का युग आ गया तो काफ़ी कुछ परिवर्तन आ गए, लेकिन उस समय उस दौर में रात को 10 बजे तक इधर काम कर रहे हैं, सुबह 4 बजे उठ के फिर से खेत में बहुत जाते थे किसान। अब मशीनी युग हो गया है तो बहुत ज़्यादा सुविधाएँ हो गई, नहीं तो कोई गाँव में इन दिनों में, अभी गाँव में चल देंगे तो कोई नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी धान कटाई की भी सीजन है, मिंजाई की भी सीजन है, और वहीं आप रबी फसल की भी तैयारी कर रहे हैं, तो बस्ती में आपको कोई नहीं मिलेगा, आज भी चल रहे किसी गांव में, तो ये वो सीजन है जो काम करने का, वो सब काम हम लोग उसका करके निकले हैं, वो सब हम लोगों का अनुभव। जो आपने अनुभव आपके हैं किसानी के जो आपने किया है, उस वक्त पानी भी नहीं होता था, हल चलाते थे, तो जैसे जैसे आप आए इस पद के ऊपर, आपको लगा कि क्या नहीं, आपको क्या फ़र्क है, आजकल के बच्चे किसानी करना नहीं चाहते क्योंकि मिट्टी में जाना पड़ता है, मैकेनाइज्ड हो गया, ट्रैक्टर हो गया, सब कुछ हो गया है, तो नहीं साहब ये बात बिल्कुल सही, 3 साल पहले जब ये बात कहते तो मैं स्वीकार कर लेता, और अन्य प्रदेशों में भी ये बात को माना जा सकता, खेती कोई करना नहीं चाहता, लेकिन
2018 में जब हमारी सरकार बनी तब से लेके पहले 2017 में 15 लाख किसान रजिस्ट्रेशन कराए थे, आज के तारीख में 22 लाख किसान रजिस्ट्रेशन कराए हैं, मतलब 1.5 गुना किसानों की संख्या बढ़ी साहब छत्तीसगढ़ में। और 22 लाख हेक्टेयर के जो रकबक रजिस्ट्रेशन हुआ था इस साल 27 और 28 लाख हेक्टेयर के रकबक रजिस्ट्रेशन हुए हैं, मतलब हमारी छत्तीसगढ़ में रकबा भी बढ़ा है, किसान भी बढ़े हैं। क्यों? कि कृषि है वो लाभदायक है। यदि पूरे देश में कृषि लाभदायक है तो जो शहरों में आज छत्तीसगढ़ में जो शहर में जो रहने वाले हैं वो गाँव की तरफ लौट रहे हैं, क्योंकि किसानी है वो लाभदायक है। आपके बारे में किसी ने लिखा है छत्तीसगढ़ में ऐसे मुख्यमंत्री हैं श्री बघेल जो ट्रेडिशनल इन्वेंशन को भी करते हैं, अपडेट भी करते हैं, वो गेड़ी पर भी चढ़ते हैं, भोरा पर चलाते हैं, बैलगाड़ी पर भी सवार होते हैं, हरेली जैसे त्यौहार पर ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए गोधन न्याय योजना जैसे नए ट्रेडिशन की शुरुआत भी करते हैं, ये सब मिक्स कैसे करते हैं आप? देखिए जो परंपराएँ हैं उसमें सुधार की ज़रूरत है, और कोई चीज़ एकदम से नहीं बनता सब दुनिया में, उसी चीज़ में सुधार करके उसमें नया खोज करके उसे आगे बढ़ाया जाता है। बैलगाड़ी नहीं होता तो आज हमारे पास कारें नहीं होती साहब, वो बैलगाड़ी से धीरे 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 सुधार आते गया। तो उसी प्रकार से जो हमारी जो पुरानी ट्रेडिशन है उसमें हम देख रहे हैं कि जैसे हमने गौठान की बात कही, वो हमारी व्यवस्था है, चरवाहे की व्यवस्था हम करते थे, पहले चरवाहा नहीं मिलते थे क्योंकि उसकी मजदूरी नहीं मिलती थी, लेकिन अब स्थिति ये है कि चरवाहा है, यदि गौठान एक एक चरवाहा है वो 25,000 से 35,000 रुपये महीने कमा रहे हैं, तो गांव में दूसरे लोग इतना पैसा नहीं पा रहे हैं जितना हमारा चरवाहा पा रहा है, क्योंकि गोबर बेच के पा रहे हैं, हमने उसे अर्थ से जोड़ा है। उसी प्रकार से आप देखेंगे जितने भी तिखुर वगैरह हमारे जंगलों में होता था, कोई छत्तीसगढ़ से बाहर तिखुर कोई नहीं जानता था, आज जो तिखुर का जो पेय है उसमें हम वैल्यू एडिशन किए और तिखुर को पेय छत्तीसगढ़ से निकल के वियतनाम जा रहे हैं, विदेशों तक में जा रहे हैं, उपवास के लिए भी फल के लिए भी बहुत बढ़िया चीज़ है, मतलब उसकी मिठाई भी बनती है, कंद है। तो ऐसे सब चीज़ को हम लोग यहाँ छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ की जितनी चीज़ें हैं उसे उभारने का काम, उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। हमारे यहाँ झाड़ू खूब पौधे होते हैं, वो बेच के चल देता था, लेकिन आज आपके प्रभु चावला जी के घर में जो झाड़ू है संभवतः छत्तीसगढ़ के जो हमारी जो स्वसहायता समूह बने बनाई है वो झाड़ू दिल्ली में पूरा बिक रहा था। तो हमने यही सब शुरू किया, तो हमारी जो चीज़ें हैं उसको कैसे उसको सहेजें, और उसे साथ साथ हमारी जो संस्कृति है, हमारे रहन सहन खान पान, हमारे आचार विचार, जो भी हमारी संस्कृति है उसको हम जिए, उसे हम संकोच न करें, उसे छुपाने की जरूरत नहीं है, वो हमारी जो परंपरा है प्राचीन परंपरा है, और उस परंपरा को हम आगे बढ़ाएं। तो जो गेड़ी है, भंवरा है, तैराकी है, ये सब हमारी पुरानी हमारे खेल का हिस्सा था नौजवानों के, उसको सबको हम आगे बढ़ा रहे हैं। और उसी प्रकार से यहाँ के जो मिठाइयाँ हैं छत्तीसगढ़ के, कभी बाज़ार में नहीं दिखता था, हम घरों में ज़रूर खाते थे, लेकिन अब किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम में जाएंगे तो आपको फरा चिला ठेठरी खुरमी बिजौरी और ये सारी चीज़ें ऐसा ये जो छत्तीसगढ़ के डिशेज हैं अब दिखना शुरू हो गया। आपको लगता नहीं बघेल साहब किसान जो है आपने शुरू किया किसान के ऊपर सोचा था, क्योंकि आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं सरकार की नीति है वो किसान के आसपास है, किसान से जुड़े हुए लोगों के लिए, पिछले 70 सालों के अंदर उद्योगीकरण हुआ है, पर छत्तीसगढ़ क्योंकि कृषि प्रधान प्रदेश है, पहले एक बार आपको पहले मुबारक दे दूँ कि आप तीसरी बार स्वच्छतम प्रदेश हिंदुस्तान के हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी भी इनके पास आती है कि छत्तीसगढ़ सबसे सुंदर देश है, तो इसलिए लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ को तो कैसे ले जाएंगे, दिल्ली नहीं जा सकते। अच्छा सवाल पूछ लिया चावला जी, मैं आपको धन्यवाद दूंगा। ये कचरा इकट्ठा कर रहे हैं उसको भी अर्थ से हमने जोड़ा है, उससे भी पैसा कमा रहे हैं। जितने भी हमारे स्वच्छता दीदी है उसका मानदेय हमने बढ़ाया, लेकिन उस कचरे में भी जो सूखा कचरा है गीला कचरा है उसको अलग अलग करके, और उसमें जितने भी जो चीज़ें हैं वेस्टेज चीज़ें हैं उसको फिर से इकट्ठा करके उससे भी बेच के पैसा कमा रहे हैं, उससे खाद बना रहे हैं। और वही जो बहनें हैं वो शहर में निकलती हैं गलियों में, यदि गोबर है तो वो उठा के ले जाते हैं, 2 रुपये किलो उसका भी विक्रय हो जाता है। तो इस कारण से ये जो गोबर खरीदी है ना वो शहर के स्वच्छता में भी गाँव के स्वच्छता में भी बड़ा योगदान, कहीं आपको रायपुर शहर में या पूरे प्रदेश में आपको गोबर
सड़कों पे या गलियों में पड़ा आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि वो पैसा कीमती हो गया, 2 रुपया हो। तो स्वच्छता को भी हमने अर्थव्यवस्था से जोड़ा है, और इस कारण से एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीसरे बार भी स्वच्छतम प्रदेश का पुरस्कार हमारे छत्तीसगढ़ को मिला, उसमें स्वच्छता दीदियों का बड़ा योगदान। तो वही मैंने कहा ना, आप जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों का था ही। वही करो भैया साहब, आपकी ये सोचने की है कि आपने गाय को भी इकोनॉमिक से जोड़ दिया, स्वच्छता को भी इकोनॉमिक से जोड़ दिया, अपने कल्चरल जो चीज़ें कर रहे हैं उसके टूरिज्म डेवलपमेंट करने की बात हो रही है, या आप जो कल्चर से जुड़े हुए हैं आपने काफ़ी चीज़ें की, जैसे राम वन गमन पथ बना दिया आपने, वो हमारी संस्कृति की हिस्सा है। कहते हैं कि आप, उन्होंने तो राम वन बना दिया, आपने वो राम मंदिर बना दिया, आपने पूरा गमन पथ बना दिया एक तरह जी, तो थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा हो गया राम के। नहीं कंपटीशन नहीं साहब, छत्तीसगढ़ में करा, उनकी मां मंदिर आपने बना दिया यहाँ पर। मैं आपके मंच के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान से कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में हमारी बहुत प्राचीन परंपरा और संस्कृति रही है, क्योंकि कौशल्या माता की धरती है छत्तीसगढ़, महतारी की बेटी कौशल्या, और यही ये चंदखुरी में उसका मंदिर, एकमात्र पूरी दुनिया में एकमात्र मंदिर चंदखुरी में। और छत्तीसगढ़ में अब ये परंपरा कब से हम लोगों को पता नहीं है, लेकिन हमारे भांजा भांजा कभी मामा का पैर नहीं पड़ते हमारे छत्तीसगढ़ में, भांजा मामा ही पैर छुएगा, पैर पड़ेगा, चाहे मामा उम्र 75 साल हो और भांजा की उम्र 5 साल भी हो, तो मामा है वो भांजा के पैर छुएगा, क्योंकि भांजा में भगवान राम को देखते हैं, क्योंकि कौशल्या हमारी यहाँ की बेटी है, इसलिए हमारी बहन है, और इसलिए राम हमारा रिश्ता मामा भांजा का है, और भगवान हमारे भांजा के रूप से भांजा के पैर छूते हैं। और फिर दूसरी बात, हम लोग अभी तो धान कटाई सीजन है साहब, हम लोग काठा में धान नापते थे पहले, तो पहला जो है उसको एक नहीं बोलते थे, राम राम, फिर उसके बाद 2, 3, इस प्रकार से हम नापते थे। तो हमारे हर चीज़ में राम, मिलेंगे तब राम राम, विदा होंगे तब राम राम, उठेंगे तब राम, सोने से पहले राम, तो राम राम की परंपरा हमारी रही है। नहीं हम उसे कंपटीशन नहीं किए, कंपटीशन में राम और कौशल्या ये सब। छत्तीसगढ़ को आप लोग तो, आप पहले आते लोग आते हैं एयरपोर्ट से निकले, कहीं नक्सलित नहीं पकड़ लेगा, पहले ये सोचते थे, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन उतरे कहीं नक्सली से मुठभेड़ नहीं हो जाए, तो नक्सलगढ़ के नाम से एक पहचान हो गया था, और माइनिंग के नाम से हमारे पास माइनिंग है, नक्सल अब सिमट गया है, लेकिन छत्तीसगढ़ में उससे भी बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं जिसको हम दुनिया के सामने लाए। राम वनगमन पथ मतलब पूरे भगवान राम 14 साल जो गुजारे उसमें सबसे लंबा यदि कहीं समय व्यतीत किए हैं, लंबी यात्रा कहीं किए हैं तो छत्तीसगढ़, 2200 किलोमीटर का है यात्रा है। नहीं आपको लगता नहीं कि राम, आपने जो कर रहे हैं तो आपने ढूंढा जी सब कुछ कौशल हमारी संस्कृति है, तो ये जो कल्चरल इकोनॉमिक जी ये सॉफ्ट हिंदुत्व, हाँ तो उसे टूरिज्म बढ़ेगा साहब, सॉफ्ट हिंदुत्व की बगैर साहब जो बात ज़्यादा कर रहे हैं, कल्चरल डेवलपमेंट कर रहे हैं। देखिए हिंदुत्व वगैरह है ना, वो सावरकर के शब्दावली है, और सावरकर के जीते जीते वो हिंदुत्व वाला जो फार्मूला वो फेल हो चुका है। बात कर रहा हूँ मैं हिंदुत्व की नहीं, बात हिंदू हम सब हैं उसमें कोई बात नहीं, लेकिन हिंदू की बात क्या है, हिंदू वो जो सहनशील हो, हिंदू वो जिसमें उदारता हो, हिंदू वो जिसमें करुणा हो, दया हो, प्रेम हो, सहिष्णुता हो, वो हिंदू, वो सावरकर का हिंदुत्व है, वो आक्रामकता का है, हिंसा का है, घृणा का है, नफरत का है, ये हिंदुत्व नहीं चलेगा भाई। इसमें हमारे भाईचारा प्रेम सब जाति के लोग रहते हैं, यहाँ सतनाम पंथ के लोग रहते हैं, 32% आदिकाल से रहने वाले आदिवासी रहते हैं, जो चाहे वो किसी धर्म से पहले उनका उनकी संस्कृति है। छत्तीसगढ़ में हमारे सतनामी भाई 13% 14% वो लोग हैं जो गुरु घासीदास को मानते हैं, सतनाम पंथ के मानने वाले लोग हैं, यहाँ सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, बौद्ध भी हैं, जैन भी हैं, सभी धर्म के मानने वाले हैं, तो सबको साथ में ले चले, सबके प्रति सहृदयता और सहिष्णुता और भाईचारा का जो संबंध है वो उस रास्ते पर चलने वाले हैं जो गांधी का रास्ता है। सुंदर प्रदेश है, हर तरह की इसमें फैसिलिटीज़ हैं, जंगल भी हैं, घाटी भी हैं, नदियाँ भी हैं, तो उसमें जो चीज़ें आप कल्चरल जो रिवाइवल कर रहे हैं यहाँ पर हर चीज़ के, मैं देख रहा हूँ आपके जो है, आपने तीजापुरा, हरेली, कर्मा जयंती, विश्व आदि दिवस, छठ और छेरा छेरी जैसे ये सब जो किया, इसके पीछे सोच क्या आपकी, बघेल साहब कांग्रेस के अंदर एक अपनी बघेल मॉडल ऑफ गवर्नेंस, बघेल मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स
बघेल मॉडर्न हॉल क्या है ये? देखिए बघेल सबसे अलग कर रहे हैं। एक चीज बताइए कि आपके तीनों प्रदेश हैं वहाँ ये सब चीजें नहीं देख रहा जो आप कल्चर के ऊपर भी कर रहे हैं, राम के ऊपर भी कर रहे हैं, कौशल्या के ऊपर भी कर रहे हैं, क्या बघेल साहब अपनी एक पर्सनैलिटी बना रहे हैं? जी नहीं साहब, जैसे ओणम मनाते हैं, ओणम किस लिए? फसल बुआई का ना। बैसाखी मनाते हैं फसल कटाई का। तो यदि फसल बुआई का त्यौहार हम केरल में मनाते हैं और पूरी दुनिया में मनाते हैं, मैं तो एक ओणम को उदाहरण दिया, ऐसा कौन सा प्रदेश है जो फसल बुआई का त्यौहार नहीं मनाते? हमारे यहाँ फसल यदि ब्यासी हो गया है तो हमारा पहला त्यौहार जो है छत्तीसगढ़ का वो हरेली है। हरेली मतलब हरियाली। अब हमारा मतलब बुआई का काम पूरा हो गया, ब्यासी का काम पूरा हो गया, मतलब ट्रांसप्लांटेशन का काम पूरा हो गया, अब हम लोग थोड़ा फुर्सत पाएँ, अब हमारी फसल होने की उम्मीद बन गई है और इसलिए हम खुशियाँ मनाते हैं। तो फसल बुआई का त्यौहार है साहब। और छेछेरा पुन्नी है, जब ये फसल कट गया पूरे खलिहान में आ गए, उसके बाद उसमें सबका हिस्सा है। उसमें हम बैगा को भी देते हैं, लोहार को देते हैं, सेन को भी देते हैं, हमारे पुजारी को भी देते हैं, सबको देते हैं। और उसी के साथ साथ ही जो छेरछेरा पुन्नी में जितने हमारे जो युवा समिति है, महिला समिति है, अलग अलग समूह के जो हैं, उन लोगों को भी हम लोग दान देते हैं। तो दान देने वाला भी गौरवान्वित होता है और दान लेने वाला भी गौरवान्वित होता है, वो छेरछेरा है। तो ये जो हमारी परंपरा है, हम किसी दुनिया से कहीं पीछे नहीं साहब, उसको हम बताने के लिए सब कर रहे हैं। हमारा छेरछेरा पुन्नी, हमारा हरेली, तीजा, हम तीजा की बात करते हैं तो या फिर मथुरा की बात होती है या फिर राजस्थान की। हमारे तीजा में हमारी जो बहनें, हमारी बेटियां हैं, वो उपवास रखती हैं, शिव की पूजा करती हैं, वो भी निर्जला उपवास करती हैं। आपके तरफ तो करवा चौथ है साहब, तो हमारे यहाँ तीजा है, तो हम अपने तीज त्यौहार को क्यों ना मनाएं? और उसके साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में अकेला राज्य छत्तीसगढ़ जो छठ की छुट्टी है, और कोई राज्य छठ की छुट्टी हो। वही कह रहा हूँ, आपने छठ की भी छुट्टी कर दी आपने। बड़ी संख्या में उत्तर भारत के लोग, बिहार में नहीं है, आपने यहाँ कर दी छठ। बड़ी संख्या में जब से इंडस्ट्रियल मतलब औद्योगिकरण होने के कारण, जो नेहरू जी ने शुरुआत की भिलाई स्टील प्लांट से, उसके बाद लगातार पूरे देश के लोग यहाँ रहते, साउथ इंडिया के भी लोग रहते, नॉर्थ इंडिया के लोग, बड़े संख्या में हमारे नॉर्थ इंडिया के लोग भिलाई में भी हैं, रायपुर में, बिलासपुर में, और सरगुजा के इलाका तो लगा ही हुआ है। ACCL के पूरा जो खदान है उसमें आप मजदूर आप देखेंगे, अधिकारी कर्मचारी सब हैं। तो उसलिए हमने कहा कि भाई हम केवल अपने नहीं, हम अन्य लोगों को भी, अब यहाँ से बिहार जा रहे हैं, भोजपुर जा रहे हैं, तो भाई यही त्यौहार मनाओ, हम यही घाट मना दें। ये जो कल्चरल रिवाइवल कर रहे हैं, जो BJP के लोग कई सालों से करते आ रहे हैं, उनका कहना ये कि ये जो आप कर रहे हैं, क्या BJP का जो नारा है, जो भी सोचते हैं या बोलते हैं, आप उनकी रिलेवेंस कम करने के लिए उनका एजेंडा अडॉप्ट कर रहे हैं क्या? उनके पास तो एजेंडा ही नहीं साहब, उनका तो यह है कि फूट डालो राज करो। उनके पास क्या है? उनके अलावा आप दशहरा में दक्षिणा देने के चल दो नागपुर में, उसके अलावा उसमें क्या है? गुरु पूजा के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन दक्षिणा चढ़ा दो, उसके अलावा क्या है? 15 साल उनको वोट क्यों दिया भाई? 82 उन्होंने वो पकड़ा ना राम मंदिर, उसके पहले क्यों नहीं बोले? तो वोट के लिए वो करते हैं, हमने वोट के लिए नहीं करते, हमारी तो संस्कृति है, हम उसके लिए कर रहे हैं। हमने ये कहा कि वोट नहीं मांगा था, उन्होंने राम का मंदिर वहाँ बना दिया, आपने तो कौशल्या उनकी माता जी का मंदिर वो पहले बना हुआ, हमने केवल उसको विकसित किया है। मंदिर तो वही वही है, हम उसको छुए तक नहीं, उस मूर्ति के छुए नहीं है, उस गर्भवृक्ष छुए नहीं है, उसे सौंदर्यीकरण करने का काम, ताकि लोग आए देखें, और जो लोग आएंगे तो पर्यटन के हिसाब से उसको विकसित कर रहे हैं। एक और मैंने कहीं पढ़ा कि ये जो इतना कल्चरल रिवाइवल जो कर रहे हैं, जो हिंदुत्व का, जो हिंदुत्व नहीं हिंदुइज्म की बात जो कर रहा हूँ मैं, उसमें ये है कि उनका कहना है कि कई बार कन्वर्जन जहाँ हो रहे हैं, कुछ ऐसी भाषा है उसको डाइवर्ट करने के लिए ये सब इसके ऊपर एम्फेसिस, ऐसा कोई है क्या? देखिए 2012 में कानून बनाया थे भारतीय जनता पार्टी ने, क्यों बनाया था साहब? सरकार तो उनकी थी, मतलब उस समय कन्वर्सन हो रहा था, इस कहाँ से कानून बनाया ना? तो भारतीय जनता पार्टी पहले स्वीकार कर लिया, कानून बनाए थे, और उसके बाद इनको मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और RSS के नेताओं को, कि वो जाके ये अध्ययन कर ले कि छत्तीसगढ़ में जितने भी चर्च बने हैं वो इस 15 साल में कितने बने हैं, और इन 3 साल में कितने बने हैं, उनके 3 कार्यकाल का और हमारे 3 साल, उनको समझ आ जाएगा रमन सिंह के कार्यकाल में कितना कन्वर्जन हुआ है। कन्वर्जन पहले भी होता था, अब भी हो रहा है।
नहीं, अब तो हमने रोका, हमारे पास 15 शिकायतें आई, सब छह सही पाया गया, कार्रवाई कर दी हमने। और भारतीय जनता पार्टी शासन काल में कितने शिकायतें और क्या कार्रवाई की बता दे। हमने तो कार्रवाई की, यदि हमारे पास 15 शिकायतें मिली इन दिनों, उसमें से 6 ही सही था, और 6 सही थे उसमें कार्रवाई हमने कर दी साहब। तो यदि कन्वर्सन यदि करते हैं किसी की जानबूझ के उसको उसे दबाव पूर्वक या लालच दे के धर्मांतरण करा रहे हैं तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी साहब, उसमें कोई माफ़ी नहीं। एक आपका जो नारा है गढ़वा नवा छत्तीसगढ़, गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, हाँ, ये क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है इसमें? जो आपने, मैंने अभी देखा इतना सब काम हो रहा है, ये गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ का अर्थ ये है कि छत्तीसगढ़ बने आज 21 साल हो गए, हमारी सरकार बनी तब तो 18 साल हो गए थे। 18 साल में छत्तीसगढ़ के 2,80,00,000 लोगों को लगता नहीं था कि छत्तीसगढ़ में हमारा कोई हिस्सा है, हमारी कोई भूमिका है, हमारे कोई योगदान है, या ये हमारा छत्तीसगढ़ है, लगता ज नहीं था, परायापन था वो, मतलब आत्मिक रूप से स्वीकार ही नहीं कर पाए थे कि हमारा ये छत्तीसगढ़ बन गया है, ये राज हमारा राज है। लेकिन इसीलिए हमने कहा कि गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, जिसमें सबको साथ मिले कि चलने की, चाहे वो जंगल में रहने के लिए हो, चाहे गांव में रहने वाले हो, चाहे शहर में रहने वाले हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे वो अनुसूचित जाति के हो, चाहे जनजाति के हो, चाहे पिछड़े वर्ग हो, चाहे अपर क्लास के हो, किसी वर्ग की महिला हो, नौजवान हो, सबको लगना चाहिए छत्तीसगढ़ हमारा है। और इसी गढ़ने की कोशिश केवल सड़क बना देने से या बिल्डिंग बना देने से विकास नहीं होता साहब, विकास तो होता है कि मजदूरों के हाथ में काम मिलना चाहिए, हमारे किसानों को दाम मिलना चाहिए, नौजवानों को रोजगार मिलना चाहिए, व्यापार चले, उद्योग के पहिया चले, ये समावेशी जो विकास है उसको लेकर हम लोग चल रहे हैं, यही हमारा गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ है। और हमारी संस्कृति है, हमारे रहन सहन खान पान, उसको भी ऊपर उठाने और स्वाभिमान के साथ जिए, बात है स्वाभिमान के, छत्तीसगढ़ के अभिमान के। वेल सेड। तो इसमें कई बार होता है जैसे आपने किसान के ऊपर ज़्यादा जोर दिया, कल्चरल रिवाइवल के लिए ज़्यादा जोर दिया, काफ़ी काम किया, इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आप लेकर के आए, तो कई बार लगता है कि आप इंडस्ट्री की तरफ जितना विकास होना चाहिए, टेक्नोलॉजी की तरफ जितना होना चाहिए, उसका उतना प्रयोग आप नहीं कर पाए जितना होना चाहिए। तो मिसमैच कहीं हो रहा है कि एक ही तरफ चले जा रहे हैं, पहले कृषि बिल्कुल इग्नोर होती थी, अब इंडस्ट्री की तरफ उतना ध्यान नहीं है जितना पहले होना चाहिए। अब उद्योग के आंकड़े अभी मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन सैकड़ों की तादाद में नए उद्योग लगे हैं, हजारों लोगों की नई नौकरी लग ली है। दूसरा ये है कि जेम पोर्टल हमने भारत सरकार ने अनिवार्य कर दिया था, उसको हमने बंद किया, हमारे अपना पोर्टल बनाया, 6 महीने के भीतर में बनाया, और यहाँ के स्थानीय जो उद्योग हैं उसको शासकीय जितने भी आवश्यकता है उसके व्यवस्था हमने की, ताकि उद्योग के पहिए चलते रहे, ये पहला काम हमने किया। और जो पॉलिसी बनाई उसमें ये है कि 60,000 करोड़ का MOU हमने कर लिया है, और उसमें जो प्रभावी जो कदम है वो लगातार उठाते जा रहे हैं उद्योगपति लोग, पूरा और उसको पूरा सहयोग शासन से मिल रहा है। तो उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ फूड प्रोसेसिंग प्लांट है, लघु अनुपज से जुड़े प्लांट है, ये भी हम लोग सैकड़ों की तादाद में लगाए हैं, उसका लाभ, उसे रोजगार भी लोगों को मिल रहा है और रेट भी मिल रहा है, तो हम लोग उस दिशा में काम कर रहे हैं। तो उद्योग बढ़ावा देने के लिए जितना काम इस शासन काल में हो, जो वातावरण बना है औद्योगिक वातावरण, इसके पहले नहीं था। औद्योगिक वातावरण बढ़ा है, उसके साथ एक जोड़ भी आता है, कई बार किसानों की बात मैं दोबारा ला रहा हूँ इसलिए कि किसानों के इनपुट कॉस्ट जो है, बाकी देश के कई भागों में तो किसानों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ और हम यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं, आज विडम्बना देखिए किस तरह से होता है, पर इनपुट कॉस्ट के लिए आपने कुछ अपने भाषण में भी नहीं कहा कि उनकी हर चीज़ महंगी होती चल रही है, बिजली से लेकर के ट्रैक्टर डीजल से लेकर के, तो उनकी जो रिटर्न टू इन्वेस्टमेंट है, मोदी जी ने कहा था हम डबल इनकम करेंगे, अपने आप स्टेट लेवल पर तो आप डबल इनकम कर ही सकते हैं अगर किस तरीके से किसानों की आय बढ़ाने के लिए, एक्चुअल आय बढ़ाने के लिए। अब मोदी जी तो बोले थे कि किसानों का आय दुगुनी कर देंगे 2022 तक के, अब 2022 आने में ज़्यादा समय नहीं है साहब, ये महीना बीता कि 2022 आ जाएगा, लेकिन किसी किसान के आय दुगुनी नहीं हुई, बल्कि देश में दूसरे राज्यों में स्थिति ये है कि जो धान का समर्थन मूल्य 1940 और 1960 रुपया है, आज किसान 1,000, 1,100 और 1,200 रुपया में बेचने के लिए बाध्य है। तो जब रेट ही
किसानों को आधा मिल रहा है तो उसके आय दुगुनी कैसे होगी, ये मुझे समझ नहीं आता। और हम लोगों ने जो 2500 रुपया जो उस समय आकलन किया था, वो स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको भी आधार हमने बनाया था और उस आधार पे ये रेट हमने दिया था। दूसरी बात ये है कि हिंदुस्तान की जनता बहुत सजग है साहब, और ये उपचुनाव जो हुआ ना हिमाचल प्रदेश का और हरियाणा का, कर्नाटक का, ये आंखें खोलने वाली थी। और शाम को रिजल्ट आया साहब, दूसरे दिन 5 रुपये पेट्रोल में और 10 रुपये डीजल में कम हो गया। अब तो ये इंतज़ार कर रहे हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के, गोवा के और मणिपुर के, ये चुनाव में भी वही पटकनी होगी। जान गए आम मतदाता, जान गए महंगाई कम करना है तो भारतीय जनता पार्टी को हराना पड़ेगा। जब तक आप हराओगे नहीं, रेट कम नहीं होगा। और यही कारण है डर के मारे कभी मोदी जी के बारे में बहुत निर्णय लेने में बड़े बहुत मजबूती से निर्णय लेते हैं और निर्णय ले पीछे नहीं हटते, चाहे नोटबंदी हो, GST हो, चाहे लॉकडाउन हो। लेकिन साहब किसानों ने ना कुछ चने चबा दिए और उसे 3 काले कानून वापस लेने पड़े। ये किसानों की जीत। एक तरफ पेट्रोल डीजल के बारे में बोलते थे, वो तो UPA सरकार सिस्टम बना दिया, वो हमारे कंट्रोल नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट के दबाव में रहते हैं और रोज़ 35 पैसा बढ़ रहा है, 40 पैसा बढ़ रहा है, 1 रुपये बढ़ रहा है। हाँ, जिस दिन नहीं बढ़ता था उस दिन टेलीविजन में पट्टी चलता था। आज पेट्रोल और डीजल के भाव नहीं बढ़े, नहीं तो रोज़ बढ़ता था साहब, हम लोग तो देख देख के परेशान थे। लेकिन एक झटका उस चुनाव में हिंदुस्तान की जनता ने दिया तो 10 से 5 और 10 रुपये कम हो गया। तो बिल्कुल साहब, ये किसानों की जो बात हो रही है, मैं इसके ऊपर ये भी कहूँ कि आप कांग्रेस पार्टी हो या BJP हो, आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, डीजल प्रोडक्ट्स जो हैं, वो GST के अंदर क्यों नहीं लाना चाहते? क्योंकि आपको किसी को पता नहीं है किसान को कि कौन जिम्मेवार है, कि आपने बैट लगा रखा है सबसे ज़्यादा, बाकी लोगों का हमने कहा ले आइए। दूसरी बात ये है GST में आना, मैं ये कह रहा हूँ कि जो UPA के समय जितना था डीजल में जो एक्साइज ड्यूटी 3 रुपये 56 पैसा और पेट्रोल में 9 रुपया, इसी दर पे ले आए भारत सरकार, तो पेट्रोल और डीजल जो है वो आज सेंचुरी जो लगा रहे हैं वो 50-60 रुपये में आ जाएंगे साहब। नहीं, तो उसी में ले आए ना, हम तो मांग कर रहे हैं। वेट बढ़ा है ना आप लोगों ने भी, तो वेट बढ़ा है। नहीं, हमारा वेट नहीं बढ़ा साहब, जो रमन सिंह बढ़ा रखे थे उतना ही है हमारा वेट, हमने तो अभी घटाया भी है 1% और 2% हमने घटाया भी, और जो ऊपर में जो घटाया उसका भी फायदा यहाँ के लोगों को मिल रहा है। हम तो निवेदन कर रहे हैं भारत सरकार से, और वहाँ भी बोले कि UPA के समय जो एक्साइज ड्यूटी थी उतने में आप 30 रुपये 32 रुपये और 29 रुपये है साहब, और उस समय 3 रुपये और 9 रुपया था, आप उस दर पे एक्साइज ड्यूटी ले आइए तो देश का भला हो जाएगा, आम उपभोक्ता भला हो जाएगा, किसानों का भला हो जाएगा। आज जितनी महंगाई बढ़ी है ये ट्रांसपोर्टेशन के कारण से, डीजल के कारण से, वो कृषि कार्य में भी लगता है, ट्रांसपोर्टेशन में लगता है और फैक्ट्रियों में भी लगता है। तो ये आप कम कर देंगे तो निश्चित रूप से महंगाई सीमा में आ जाएगा, हमारी जो बहनें आज महंगाई से जूझ रही हैं उसी निजात मिलेगा। वगैरह साहब, क्योंकि आप ओरिजिनल सोचते हैं हर वक्त, मैं सोच रहा मैं रीजनल नहीं, मैं राष्ट्रीय स्तर पर बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल की बात कर, ओरिजिनल। अच्छा, ओरिजिनल रीजनल। आप ओरिजिनल थिंकिंग आपकी कई बार है, तो किसान जो है आज एक सरकार के ऊपर निर्भर रह गया है, उसका लोन माफ़ कर दो, उसकी सब्सिडी बढ़ा दो, उसकी MSP बढ़ा दो, मतलब हर चीज़ सरकार करे। सरकार को गरीब रखना क्या राजनीति का उद्देश्य नहीं है? किसान उसके ऊपर डिपेंड करता रहे, सड़क पे आता रहे, किसान अपने आप अमीर क्यों नहीं बनता भाई? सवाल ये लोगों के लिए सब कुछ होता है, उनके लिए सब्सिडी होती है। बहुत सही सवाल आपने किया चावला साहब, कि फैक्ट्री में जो सामान उत्पादन होता है ना उसकी कीमत फैक्ट्री मालिक तय करता है, उसके MSP वो तय करता है, उसके रेट वो लिखे रहते हैं, मैक्सिमम प्राइस या मिनिमम प्राइस वो लिखते हैं, किसान नहीं कर पाता। और इसलिए सपोर्ट की ज़रूरत है। एक समय था जब देश में अनाज का उत्पादन नहीं होता था, इंदिरा जी कटोरा लेके गई थी अमेरिका, PH-470, तो उसके तहत वहाँ से लाल रंग के जो ज्वारी बाजरी है वो लाए थे, और उस समय हरित क्रांति का आह्वान इंदिरा जी ने किया था, और देश के किसानों ने मेहनत करके आज देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बनाया है। तो ये क्या अपराध किए कि किसान, उसको सजा दे रहे हैं आप?
आपके पास सरप्लस यदि अनाज है उसको इथेनॉल क्यों नहीं बना देते? हम तो 3 साल से पहले पत्र लिखे प्रधानमंत्री को, कितने बार वर्चुअल मीटिंग में कहा, और इसी समय इस समय भी मंत्रिमंडल से साथ मिलने के लिए हमने समय मांगा है प्रधानमंत्री से कि आप हमको समय दें। अरे भाई, हमारे पास सरप्लस पेटी है, उसका इथेनॉल बनाने का हमको अनुमति भर दे। आपसे कुछ नहीं मांग रहे हैं, अनुमति नहीं देते, पेटी के इथेनॉल की कीमत आप तय नहीं कर रहे हैं। यदि ये कर दें तो पूरे देश में जो धान उत्पादक किसान है उसको रेट मिल जाएगा, फैक्ट्रियाँ खुलेगी तो नए लोगों को अवसर मिल जाएगा, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो विदेशी पूंजी हमारे पेट्रोलियम पदार्थ खरीदने में लगता है उसमें भी कमी आएगी। तो ये तीनों काम एक साथ हो सकते हैं, देश का भला हो सकता है। ये प्रस्ताव चूंकि कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने दिया, इसका आप स्वीकार नहीं करेंगे? साहब, मेरा जो आत्मनिर्भर मोदी जी का नारा है, आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत तब तक नहीं बन सकता जब तक इस देश का किसान आत्मनिर्भर नहीं होता। उसके लिए आपकी क्या सोच है कि हमारे जो किसान बैठे हैं ये आत्मनिर्भर कब होंगे? इनकी जो महंगाई बढ़ती, हर चीज़ जो खरीदते हैं वो महंगी होती जा रही है, जो बेचते हैं वो सस्ती होती चली जा रही है। देखिए, गांधी जी हैं वो स्वावलंबन की बात करते थे, आत्मनिर्भर व्यक्ति हो सकता है साहब, स्वावलंबन है वो पूरे गाँव के गाँव हो सकते, समूह हो सकता है। तो समूह को हम स्वावलंबी कैसे बनाए, और ये काम छत्तीसगढ़ में सुराजी गांव के माध्यम से हम कर रहे हैं, चाहे गौठान समिति के माध्यम से हो, चाहे वो धान खरीदी के माध्यम से हो, सब समूह में हम लोग कर रहे हैं। और ये आत्मनिर्भर कौन हुआ है साहब? 2-4 लोगों को छोड़ दो देश में, उसके अलावा तो कोई आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। आत्मनिर्भर तो देश तो बनेगा ही, इंदिरा जी ने रेवोल्यूशन लिया ना, व्हाइट रेवोल्यूशन भी आया, ग्रीन रेवोल्यूशन भी आया। हाँ, तो उसको रेट कहाँ दे रहे हैं साहब? टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आ रहा है आपके यहाँ, सब जगह टेक्नोलॉजी भी आ रही है जी। तो जो आपका जो बात हो रही थी कि छत्तीसगढ़ दिल्ली जाए या दिल्ली छत्तीसगढ़ जाए, राजनीति में तो लोग चाहते हैं कि बघेल साहब दिल्ली आ जाए, दिल्ली का भला हो जाए। नहीं साहब, छत्तीसगढ़ मातारी की सेवा हमको करने दीजिए, यही थी कि आपको उसके ऊपर क्योंकि बुलाया जा रहा है, आपको जिम्मेवारी दी है यूपी की, इतनी जिम्मेवारी दी है पहले। जिम्मेदारी यहाँ से तो भाई पार्टी का जो काम है उसको करना पड़ेगा। आसाम भेजे थे, झारखंड भेजे थे, विदर्भ में मैं गया था। बघेल साहब की अग्नि परीक्षा क्यों हो रही है? यूपी में ही क्यों भेज दिया उनको चुनाव लड़ने के लिए? पार्टी काम कर रहा है उसमें अग्नि परीक्षा जैसे क्या बात है? नहीं, बाकी नेता भी है ना बघेल साहब के, और भी लगे हैं कलाकारी होगी ना आपके हाथ में कोई? आप केवल मेरे भर के मुझे भर जान रहे हैं, बचत सैकड़ों लोग वहाँ लगे हुए हैं काम में, वो अलग अलग प्रदेश से गए हैं, कोई राजस्थान से गए, महाराष्ट्र से गए। उड़ीसा में जब चुनाव छोटे हुए थे तब आप किसी, मुझे उड़ीसा नहीं भेजा गया था, उड़ीसा के एक पार्ट में भेजा गया ना, तो लगा हुआ है हमारा तो बिल्कुल। तो वहाँ आपने, वहाँ तो रोटी बेटी की संबंध है, उड़ीसा हमारा बिल्कुल सबसे लंबा एरिया हमारा। आपने काफी लोगों को जितवाया था ना वहाँ पर, लगे हुए काम में लगे हुए हैं। तो यूपी में आपको क्या लगता है? यूपी में बहुत अच्छी संभावना है साहब, वहाँ यदि सच में राजनीति या आम जनता के हित में कोई काम कर रही है तो केवल प्रियंका गांधी कर रही है। विपक्ष में कहें चाहे सत्ता पक्ष में कहें, कौन आदमी है जो सड़क में खड़ा होकर जिस पे अन्याय अत्याचार हो उसके आंसू पोंछने का काम प्रियंका जी की छोड़ कोई दूसरा कर रहा हो? वहाँ बलात्कार हो रहे हैं, वहाँ हत्याएँ हो रही है, वहाँ गाड़ी किसानों के ऊपर चढ़ाया जा रहा है, कौन खड़ा होता है? प्रियंका जी के अलावा कोई खड़ा हो रहा है? इस चीज़ को उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। और प्रियंका जी केवल वहीं भर नहीं जा रही, बल्कि संगठन के ढांचा को भी खड़ा किए। हमारे करीब 1 लाख जो कार्यकर्ता वो प्रशिक्षित हो चुके हैं, 1 लाख कार्यकर्ताओं की फौज उन्होंने खड़ा कर दिया कुछ महीनों में। तो उसी की बदौलत आप देखेंगे बनारस प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र, हजारों की भीड़, आज तक उतनी भीड़ कोई राजनीतिक दल नहीं कर पाया। मुख्यमंत्री के क्षेत्र गोरखपुर, तो जो मैदान है आज तक के उसमें कोई कार्यक्रम करने का साहस नहीं कर पाता। वहाँ प्रियंका जी की जबरदस्त सभा हुई और जितने भीड़ उस मैदान में थे उतने बाहर में लोग थे। तो ये एक संगठन की ताकत थी जिसके बदौलत संभव हो पाया। तो यूपी में आपके वोट तो 9% था, 8% के करीब लोग वोट हैं यूपी में, यूपी से जहाँ से आप जीत के आते थे इतने, अब तो यूपी में खड़ा होना, आपको भेज दिया ठीक है, आपको लगता है कि कुछ सीटें वीटें बढ़ेंगी? प्रियंका जी के नेतृत्व हम सब काम कर रहे हैं साहब, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और बहुत आम जनता के मुद्दे, छत्तीसगढ़ में जैसे कहा ना कि 2500 रुपये में धान खरीदेंगे, वहाँ भी यूपी में कहा जाए 2500 रुपये में धान और गेहूं खरीदा जाएगा, वहाँ भी गोधन न्याय योजना लागू किया जाएगा, वहाँ भी ये बातें, बिजली बिल आधा का एजेंडा लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ हमारा मॉडल है, छत्तीसगढ़ ही मॉडल अब चल रहा है। गुजरात मॉडल क्या है बताइए वाला, 7 साल हो गया आपको, अब इतना सीनियर जर्नलिस्ट हैं, गुजरात मॉडल का लाभ हिंदुस्तान की जनता कहीं दिखाई दिया किसी प्रदेश में? गुजरात मॉडल है क्या? योगी जी कहते हैं हमारा मॉडल बहुत बढ़िया, जहाँ जा रहे हैं 7 साल हो गए गुजरात मॉडल, यूपी के अंदर कितना दिखाते हैं विकास, इतना हो रहा है वहाँ पर। गुजरात मॉडल क्या है? क्योंकि मोदी जी जब आए थे तो गुजरात मॉडल की चर्चा कर रहे थे,
और गुजरात मॉडल का लाभ किसी को मिला है? गुजरात में डेवलपमेंट तो हुआ, बाकी वो पहले तो भी पहले होता से था, वो पहले तो से भी होता था, वैसे विकसित राज्य की श्रेणी में है वो, पहले से मोदी जी पहले ही विकसित राज्यों की श्रेणी में थे, महाराष्ट्र है, गुजरात है, पंजाब है, तो ये तो विकसित राज्यों की श्रेणी में है। हम लोग हैं जो नवोदित राज्य हैं, जो विकासशील हैं, लेकिन बचत तो थे, उसमें क्या कर लिया अतिरिक्त? ममता जी का कहना है कि कांग्रेस का कोई भविष्य तो है नहीं, कांग्रेस का भविष्य ममता जी ने कहा कौन, व्हाट कांग्रेस का कुछ है ही नहीं। तो आपको लगता है कि आप तीन प्रदेश यहाँ पर अभी थे जिस पर राज कर रहे हैं, आप यंगेस्ट हैं। मैंने देखिए 2012 में, अब गांधी आपके पास तीन हैं, 2012 में उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर की पार्टी थी साहब, आज पहले नंबर की है, हम अभी चौथे नंबर के हैं, 2022 में जनता ने चाहा नंबर वन बनेंगे तो नंबर वन भी हो सकते हैं। और ममता जी की जहां तक बात आपने छेड़ दी, बहुत अच्छा है कि मैं ममता जी को बहुत संघर्षशील और जुझारू महिला के रूप में पूरा मैं ही नहीं पूरा देश जानता है, लेकिन पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की किसी ने स्थान दिया है तो ममता बनर्जी ने दिया है। दूसरी बात यह है कि वो मुख्य विपक्षी दल का किरदार निर्वहन करना चाहती है, बहुत अच्छी बात है, हम इस भावना का सम्मान करते हैं और उसमें आगे बढ़े हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन कांग्रेस को मार के वो मुख्य विपक्षी दल बनना चाहती है, क्या बात हुई है? प्रधानमंत्री जी से मुलाकात करने के बाद मुलाकात हुई, उसमें क्या बात हुई? आप भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में सरकार में सत्ता बैठे हुए उससे लड़के आगे बढ़ना चाहते हैं या विपक्ष में जो है उसे पीछे धकेल के आप बनना चाहते हैं? सवाल इस बात का है, तो आपकी नीयत ठीक नहीं है, बहुत स्पष्ट है। ममता बनर्जी जी का हम खूब सम्मान, मतलब वो सरकार के कहने पर कर रही है, आपको लगता है सरकार के कहने पर कर रही है जो कुछ कर रही है? लेकिन एक चीज बताइए आप, प्रधानमंत्री से मिलने के बाद आलोचना, पहले तो बोलते थे बनारस जाऊंगी और पंजाब मतलब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो बनारस की बात भूल गई, प्रधानमंत्री से गुपचुप मिल के आ गई लेकिन बयान कुछ नहीं हो। शरद पवार जी से मिले तो दूसरे दिन बयान आ गया, यूपीए तो कोई अस्तित्व नहीं कांग्रेस के, लेकिन प्रधानमंत्री से मिलने के बाद कोई बयान नहीं आया और तुरंत कांग्रेस के खिलाफ हमला बोले हैं, तो दाल में कुछ काला है साहब। एक वो चलती है कि छत्तीसगढ़ में कोई कई बार 2.5 साल 3 साल 4 साल ये क्या है? अब वो ढाई साल वाले बात तो निकल गया सर, 3 साल पूरा होने वाला है, 17 तारीख 3 साल हो जाएगा, तो 2.5 साल तो बात करता है, मतलब 5 साल भी पूरे हो जाएंगे। 3 साल अब ऊपर वाले ने चाहा 5 साल हो गए, उसके और अगले 5 साल हो गए सर, अगले 5 साल भी सरकार रहेगी, उसमें क्या है? एक जनता ने चाहा तो एक चीज नोट की, ये कोरोना जब से आया आपके प्रदेश में पहले बहुत बुरी हालत हुई थी, बाद में ठीक हो गई, यहाँ लोगों ने मास्क पहनने बंद कर दिए सब ने, और एक चर्चा रही कि क्या मुख्यमंत्री जी आप पहल लेते हैं हर चीज़ में कि हर सरकार अपने एम्प्लॉयज़ को डबल वैक्सीनेशन करने के लिए कम मजबूर क्यों नहीं करती, क्या दफ्तर नहीं आओगे अगर डबल वैक्सीनेशन नहीं होगा? आज ही मैं समाचार पत्र में पढ़ा था कि 1 करोड़ हम लोग डबल वैक्सीनेशन कर लिए हैं। सबसे पहली बात यह कि इसमें भी भेदभाव साहब नहीं, आप अपनी तरफ से भारत सरकार मैंने हमने चिट्ठी लिखा वैक्सीनेशन नहीं कराएगा दफ्तर नहीं आएगा नहीं, तो सवाल इस बात का है कि मैं वैक्सीन लगाने के लिए बोल दूं और वैक्सीन ही नहीं रहे तो वो क्या कर लेगा, मैं क्या करूंगा? मैंने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र, भैया हमको 1 करोड़ डोज दो, हम वैक्सीनेशन करना चाहते हैं, हमारे पास वैक्सीन ही नहीं साहब, हम एक दिन में 10 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने की हमारी क्षमता है, 25 करोड़ फालतू पड़ी है डोजेज दे नहीं रहे, यदि देते तो हम लगा लेते, स्टेट में इस वक्त वैक्सीनेशन स्टॉक नहीं है, जो मिलना चाहिए उतना नहीं है, हमारे साथ सब में भेदभाव, बारदाने में भेदभाव, DAP में भेदभाव, हमारे पैसा देने में बस सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी की जो पैसा है वो 13,000 करोड़ रुपये हमको नहीं दिया, जो कोल जो निरस्त किए उसमें जो पेनाल्टी लगाया था वो 4,140 करोड़ रुपये अभी भी बचा है साहब लेने के लिए, तो पैसा देने में भी आनाकानी, GST का ले दे के अभी मिला है, लेकिन सब में कैसे बारदाना नहीं, आपके उसना चावल नहीं, तो ये सारे अड़ंगाबाजी छत्तीसगढ़ के साथ। एक राजनीति क्वेश्चन आखिरी पूछूंगा जी सर, कि कांग्रेस हमेशा नेहरू गांधी सब लीड करते हैं, पहले हमेशा 2 गांधी होते थे या नहीं? चावला जी आप ऐसा प्रश्न मत करिए कि आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, नेहरू जी के पहले भी नहीं, नेहरू जी पहले भी गैर नेहरू परिवार के लोग अध्यक्ष बने थे, नेहरू जी के समय भी बने, इंदिरा जी के समय भी उसके दूसरे लोग अध्यक्ष बने, 1919 में मोतीलाल नेहरू बने थे, हाँ तो उसके पहले कौन थे?
उससे पहले बहुत विदेशी मोतीलाल नेहरू एक साल मैं कुछ और सवाल पूछ रहा हूँ जी। अच्छा पूछिए। मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ, ठीक है उनके आप लगता है कि कांग्रेस बिना गांधी के हो नहीं सकती, मेरा ये मानना है कि डीएनए में कांग्रेस के नेहरू या गांधी होना चाहिए, पर पहले होते थे दो परिवार के, एक परिवार के, चाहे नेहरू इंदिरा हो, चाहे राजीव इंदिरा हो या संजय हो या उसके बाद सोनिया जी आए तो राहुल जी आए, अब तीन परिवार के लोग हैं, तो उसमें आप लोगों को इन दोनों में से लीड करेंगे कौन आपको लगता है, प्रियंका राहुल? क्या आप लड़ाने के हिसाब से पूछ रहे हैं? हमारे हम पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि राहुल जी हमारे नेता हैं, उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष पहले थे और उसको इस्तीफा नहीं देना था, हमने ये भी कहा और इस्तीफा दिए, तब भी उन्होंने कहा कि आप ही फिर से नेता बने। राहुल गांधी प्रेसिडेंट इज मीटिंग मतलब? नहीं, वो तो इस नैतिकता के नाते अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया था साहब। हाँ दिया था, है ना, और आज हमारी हमारी जो मांग है वो राहुल गांधी जी बने, उसके अलावा नहीं बने, वही बने। उन्होंने कहा कि गैर गांधी परिवार से देख लो, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, जो लोग ये कहते हैं कि गांधी नेहरू परिवार क्यों, देखिए भारतीय जनता पार्टी केवल यहाँ भी रमन सिंह जी के बेटे भी सांसद बने, यहाँ भी लखीराम अग्रवाल के बेटे, यहाँ भी बस्तर में बलिराम कश्यप उसके बेटे मंत्री सांसद बने, वहाँ परिवारवाद नहीं साहब। राजनाथ सिंह के बेटा बने वो ठीक है, हम में जो परिवारवाद था ज्योतिरादित्य सिंधिया माधवराव सिंधिया का लड़का उसको लेने में तकलीफ नहीं साहब, बगल जी उनका आप जतिन प्रसाद को लिए उसमें तकलीफ नहीं, केवल आपको गांधी परिवार से ही परेशानी है, बचत तो परिवारवाद उसके घर के अंदर है। नहीं, उनका कहना यह कि कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, हमारे यहाँ भी बने थे, यहाँ बघेल साहब बन सकते हैं क्या? नरसिम्हा राव जी नहीं थे क्या? उसके पहले सीताराम केसरी जी नहीं थे? प्रेसिडेंट की बात नहीं, कांग्रेस पार्टी की। हाँ कांग्रेस पार्टी के तो अध्यक्ष थे, देवकांत बरुआ जी थे। नहीं उसके बाद उन्होंने, अच्छा भाई जो पार्टी बिखर रही थी सोनिया जी आई और उन्होंने उनके नेतृत्व में बहुत बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता अटल बिहारी वाजपेयी जो सर्वमान्य नेता थे जिसमें विपक्ष में भी उनकी शिकायता थी, ऐसे नेता को उन्होंने पराजित किया, 10 साल यूपीए की सरकार चलाई और आज तक इतिहास में सबसे ज्यादा लंबा समय तक कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा कांग्रेस में तो श्रीमती सोनिया गांधी रही। विश्वास रहा कार्यकर्ताओं का, कार्यकर्ताओं का विश्वास रहेगा तो बनेगा साहब, नहीं रहेगा तो क्यों रहेगा? उतना स्नेह उतना प्यार और सबके भावनाओं को समझने वाली कोई नेता है तो सोनिया गांधी रही है, इस कारण से उनका नेतृत्व तो सबको स्वीकार रहा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपने हमसे बातचीत की, बाकी का कार्यक्रम आगे चलते हैं जिसके लिए धन्यवाद। थैंक यू।